हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको डिफेंस का बेसिक सिखाऊंगा, जो कि है स्लिप। स्लिप डिफेंस हमें आना ही चाहिए अगर हमें स्ट्रेट पंचेस से डिफेंस करना है। तो स्ट्रेट पंचेस से डिफेंस करने का बेस्ट तरीका है स्लिप। अगर आपको स्लिप मूवमेंट आता है तो आप इजीली स्ट्रेट पंचेस से बच सकते हो, साथ ही आप स्ट्रेट फाइट में अपना डिफेंस कर सकते हो और बॉक्सिंग के अंदर डिफेंस कर ही सकते हो। तो स्लिप मूवमेंट आपको आना ही चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप एक नई व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आगे की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको स्लिप करके दिखाता हूँ, देन आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा गार्ड है, तो जैसे कोई पंच मार रहा है तो हमें सिर्फ इतना सा मूवमेंट करना है जिसका पंच निकल जाए, ये इस तरीके से। ये तो ये था स्लिप मूवमेंट। अब इसको करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्लिप करोगे तो आप अपने शोल्डर, नी और पूरी बॉडी को एक साथ चलाना है, जिससे आप एक अच्छा स्लिप मूवमेंट परफॉर्म कर पाओ, इस तरीके से। ये अगर आप नी को यूज़ में नहीं लोगे, ऐसे स्ट्रेट में करोगे, तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी, एक स्पीड नहीं आएगी और साथ ही आपकी एक परफेक्ट फॉर्म नहीं आ पाएगी। तो एक परफेक्ट फॉर्म लाने के लिए आपको अपनी पूरी बॉडी का एक साथ यूज़ लेना पड़ेगा, जिससे आप एक बहुत अच्छा मूवमेंट कर पाओ पूरी स्पीड के साथ। ये इस तरीके से। और ध्यान रखना है कि जब भी आप मूवमेंट करोगे तो आपके शोल्डर ज़रूर यूज़ में आएंगे, इस तरीके से। ये और ध्यान रखना है स्लिप करते टाइम आप कहीं शोल्डर पे फोकस रखो और अपने सिर्फ शोल्डर को रोटेट करो और पूरी बॉडी का मूवमेंट नहीं करो, सिर्फ शोल्डर को रोटेट करो, तो उससे आपकी फॉर्म बिगड़ सकती है, आप प्रॉपर तरीके से डिफेंस नहीं कर पाओगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इस तरीके से परफॉर्म नहीं करना। ये भैया आप शोल्डर को ऐसे ऐसे करो, ये तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। कुछ बिगनर बॉक्सर क्या करते हैं, जब स्लिप नहीं सीखते हैं तो उनको लगता है कि शोल्डर का मूवमेंट करना है बेसिक, तो ये आपको नहीं करना, पूरी बॉडी एक साथ चलनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस तरीके से नहीं करना है। तो गार्ड बना रखा है और क्या करते हैं वो इस तरीके से, ये शोल्डर को ऐसे ऐसे चलाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको पूरी बॉडी एक साथ चलानी है, ये और एक सिर्फ अपनी नेक को नहीं चलाना। अगर आप सिंपल नेक चलाओगे और कोई मूवमेंट नहीं करोगे, शोल्डर का यूज़ नहीं लोगे, लोअर बैक का यूज़ नहीं लोगे, नी का यूज़ नहीं लोगे और सिर्फ नेक चलाओगे, तो आपके नेक में इंजरी भी हो सकती है और प्रॉपर फॉर्म भी नहीं आएगी। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, सिर्फ नेक नहीं चलानी इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे नेक नहीं चलानी, ऐसे पूरी बॉडी का एक साथ यूज़ लेना है, सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना। और ध्यान रखना है कि जब भी आप स्लिप मूवमेंट करोगे तो आपको हल्का सा आगे की तरफ बैंड होकर करना है, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं होना, हल्का सा माइनर सा, इस तरीके से। ये साइड में, ये इस तरीके से। आपको ये नहीं करना, कुछ बिगनर्स क्या करते हैं कि वो इसको ऐसे तो नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, ये झूला सा झूलते हैं, ये आपको ये गलती नहीं करनी। आपको इस तरीके से करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये ऐसे परफॉर्म नहीं करना। और एक बात और, जब भी आप स्लिप का मूवमेंट करोगे तो आपको अपनी बॉडी को आगे की तरफ नहीं गेड़ना, ये बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को इतना सा लेके जाना है जितना वो पंच निकल जाए। हमारे पंच का पार्ट इतना होता है, ग्लव्स पहन के थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बस वो पंच निकल जाए, बस आपको इतना स्लिप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा बैंड होगे तो आप पंच से तो बच जाओगे, बट आपकी प्रॉपर स्पीड नहीं आएगी और आप कोई नेक्स्ट मूवमेंट नहीं कर पाओगे या फिर स्लिप करके कोई काउंटर अटैक नहीं कर पाओगे। और साथ में और भी कोई अटैक परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बैंड नहीं होना है, माइनर सा बैंड होना है, जो पंच निकल जाए, इस तरीके से। ये इतना सा बैंड होना है, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा बैंड नहीं होना, इस तरीके से। ये नहीं करना, ऐसे बैंड नहीं होना, बहुत ज़्यादा माइनर सा होना है। और इसकी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे लेफ्ट साइड 10 बार करा, राइट साइड 10 बार करा, जिससे आपकी फॉर्म और क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारा गार्ड है, गार्ड से 1 2 3 4 इस तरीके से 10 रेपिटेशन यहाँ पे निकाली, फिर 10 रेपिटेशन राइट साइड निकाली, ये। और इन सब में आप अपने नी का रोल जरूर रखना। अगर आप नी को बैंड नहीं करोगे तो आपकी फॉर्म नहीं आ पाएगी, आप सिर्फ कमर से बैंड होगे। और हमें कमर से लोअर बैक को बैंड नहीं करना है, ऐसे सिर्फ लोअर बैक से ऐसे नहीं झुकना है, नी के सपोर्ट से भी झुकना है, पूरी बॉडी एक साथ वर्क करनी चाहिए इस तरीके से, ये जिससे एक अच्छी स्पीड आए। सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना, नहीं तो आपकी एक स्पीड नहीं आ पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे सिंपल रेपिटेशन निकाल सकते हो, फिर जैसे ही आपके इसके अंदर फ्लो बैठे, आपको मूवमेंट और शार्प हो जाए, अच्छे से आप इस चीज़ को परफॉर्म करने लग जाओ, फिर आपको ट्राई करना है, आपने जो 1-2 मारना सीखा है उसके साथ इस चीज़ को अप्लाई करना। सिंपल किस तरीके से, लेफ्ट स्लिप, लेफ्ट स्लिप, लेफ्ट स्लिप,
लेफ्ट स्लिप गार्ड, फिर देन राइट स्लिप, राइट स्लिप, बाकी इससे रिलेटेड और आप किस तरीके से पंच मार सकते हो, राइट मिस राइट, ऐसे काफ़ी पंचेस मार सकते हो जिनको हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि स्लिप मूवमेंट कैसे करना है। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप स्लिप का मूवमेंट करो तो पूरे गार्ड के साथ करो। कुछ बिगनर्स क्या करते हैं, अपने गार्ड को छोड़ देते हैं, ओपन गार्ड स्लिप करने का ट्राई करते हैं ऐसे। तो बाय चांस आप कभी ओपन गार्ड करते हो और आपकी स्लिप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, या आपने स्लिप कर लिया, हमारा जो ओपोनेंट है वो थोड़ा सा एडवांस हुआ और उसने कोई दूसरा अच्छा सा अटैक कर दिया, काउंटर अटैक कर दिया, तो आप नॉकआउट हो सकते हो। तो इसलिए आप जब भी कोई भी डिफेंस करो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि गार्ड के साथ परफॉर्म करो और स्लिप के साथ आप कोई काउंटर अटैक कर पाओ। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई भी डिफेंस का मूवमेंट परफॉर्म करो तो गार्ड के साथ परफॉर्म करो। ये प्रॉपर गार्ड है ये, इस तरीके से। एक बार आपकी बॉडी में अच्छे से ढल जाए, आप इसकी जितनी ज़्यादा रेपिटेशन निकालोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में ढल जाएगा। फिर आप पे जब भी कोई पंच मारेगा तो आपकी बॉडी अपने आप वर्क करेगी, जैसे पंच आ रहा है तो आप अपने आप स्लिप कर दोगे ऐसे। एक बार जब आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाए और आपको बेसिक अच्छे से आ जाए, आपकी बॉडी में ढल जाए, आप इनकी बहुत ज़्यादा रेपिटेशन निकाल लो और एक एडवांस बॉक्सर की तरह परफॉर्म करने लग जाओ, तब आप ओपन गार्ड इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, जब ओपन गार्ड खेल सकते हो। बट आप बिगनर लेवल में कभी भी ओपन गार्ड का ट्राई मत करना, नहीं तो कभी भी आपके पंच पड़ सकता है अच्छा सा। और एक बार जब अच्छा सा पंच कनेक्ट हो गया तो आपके मन में डर भी बैठ सकता है और आप नॉकआउट भी हो सकते हो। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, एक बार अपना बेसिक को बहुत इंप्रूव कर लो, देन ओपन गार्ड से खेलने का ट्राई करना। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।